अहले जमीन खुदाबंद के हजूर खुशी का नारा मारो खुशी से खुदाबंद की इबादत करो गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो जान रखो कि खुदाबंद ही खुदा है उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं हम उसके लोग और उसकी चरागाह की फेड़े हैं शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो क्योंकि खुदाबंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है आप देख रहे हैं प्रोग्राम कला में जिंदगी आप देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं जो बातें आप सुन रहे हैं वो खुदा की बातें हैं मोहब्बत भरी बातें हैं सबके लिए है मेरी दुआ ये है कि जब आप सुनते हैं तो खुदा उन सोचने की तौफीक दे आप सोचें इन बातों पर समझने के लिए खुदाबंद अपना फजल दे दे और फिर अगर आप पर ऐसा रहम हो जाए कि आप पहचान लें कि वो आपको बुला रहा है बरकत देने के लिए तो आपको अपने आप को उसके हाथ में सुपुर्द कर देने की भी तोफ़ीक दे दे ऐसा हो तो ये दिन आपके लिए बहुत मुबारक है जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं आप आप मेरे साथ इस बात पर इतफाक करेंगे सहमत होंगे कि हर खुशी का कोई सबब होता है खुदा करे आप कहें आज मेरा जन्मदिन है खुशी का सबब यह है कि आज आपका जन्मदिन है मुबारक हो जन्मदिन आपको भाई बहन बेटी हो सकता किसी बच्चे का जन्मदिन हो सबको खुदा बरकत दे बड़ा अच्छा सबब है खुशी मनाने के लिए खुदा का शुक्र करने के लिए कुछ ऐसे होंगे कि बड़ी देर के बाद बड़ी दुआओं के बाद इंतजार के बाद खुदा ने आज आपको बरकत बख्शी और एक बेटा बख्शा है कितना प्यारा सबब है कितनी प्यारी वजह है ये खुशी मनाने की और शुक्र करने की और खुदा करे कि जो औलाद आपको खुदा ने बख्शी है उसकी सही तरबियत सही तालीम देने के लिए खुदा की तरफ से आपको हिमत नसीब हो समझ नसीब हो कि जो कुछ खुदा ने आपको बख्शा है बेटा या बेटी वो उनकी ऐसी तालीम आप कर सके कि बहुत जल्दी वो खुदा को पहचान ले और फिर खुदा उनको बरकत पर बरकत दे कितना प्यारा सबब है कुछ ऐसे भी हैं जो हॉस्पिटल गए थे और बड़े फिक्रमंद गए थे बहुत परेशान थे मुंह सूखा हुआ था समझ में नहीं आ रहा था क्या करें अंदर से दिल डॉक्टर ने कहा कि आपका रिजल्ट आ गया आपको खुशी मनानी चाहिए कि आपको कैंसर नहीं है <laughs> फिर कितनी खुशी होती है कितनी खुशी कितनी प्यारी वजह है खुशी मनाने की और घर जाके शुक्रगुजारी करने की कितनी खूबसूरत वजह है तो हर खुशी के पीछे एक सबब होता है एक वजह होती है लेकिन हर रोज और खास तौर पर इतवार के दिन लोग इकट्ठे होते हैं वो लोग जो खुदा मसीह पर ईमान रखते हैं और ईमानदारों की जमात को कलीसिया कहते हैं सारी दुनिया में है यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग वो उनकी एक अजीब किस्म की जलाली खुशी है अजीब खुशी है हर खुशी से बुलंद है वो वो खुशी ये है कि जब वो इबादत करते हैं तो वो जानते हैं कि उनका खुदावंद उनके बीच में है जिंदा है वो जिसने उनके लिए अपनी जान दी तमाम दुनिया के लिए अपनी जान दी वो गुनाहों को अपने ऊपर लिए सलीब पर चढ़ गया और अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा वो जिंदा है तो शागिर्दों पर खुदा युस मसी ने तरह तरह से अपने आप को जाहिर किया इन दो बातों के लिए कभी शक नहीं हुआ उन्हें बहुत तकलीफें उठाई शहादत का जाम पिया आज भी पी रहे हैं लेकिन उनको कभी इस बात से इस बात पर कोई शक नहीं पैदा हुआ कि वो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मारा गया खुदा के इंतजाम के मुताबिक सलीब पर मारा गया कभी उन्हें इस बात पर शक नहीं हुआ क्योंकि इस पर शक करने की गुंजाइश नहीं है है वो मसलूब हुआ और मारा गया और फिर दूसरी यह बात कि उनको कभी इस बात पर शक नहीं हुआ कि वो तीसरे दिन अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा कभी खुदावन के लोगों को इस बात पर शक नहीं होता यह है उनकी खुशी का सबब कि खुदा वो प्यार जो इस दुनिया में जिसम में ज़ाहिर हुआ खुदा का फजल जो मुजस्म हुआ खुदा का कलाम जिसने जिसम तो खुदा के नज़ाम के मुताबिक हमारी जान को गुनाह से छुटकारा देने के लिए वो हमारा गुनाह लिए हुए मासूम बेकसूर पाखदूस हमारी जगह मारा गया तो वह हलीमी से उसका शुक्र करते हैं रो रो के उसका शुक्र करते हैं से याद करते हैं। उसने कहा था मेरी यादगारी जब तुम ये रोटी खाते हो रोटी खाते वक्त पानी पीते वक्त खुदा के बंदे शुक्र करते हैं खुदा तेरा शुक्र हो तुने कहा याद किया करो मुझे मेरी मोहब्बत को मेरी मौत को याद किया करो क्योंकि मेरी मौत खुदा की मोहब्बत का इजहार है मेरी मौत इस मेरी मौत इस बात पर मोहर है कि तुम्हारे गुना माफ हो गए जो ईमान लाए हो मुझ पर ईमान ले आए हो जैसे उस डाकू को खुदा मसीह ने सलीब पर कहा था आज ही आज ही तू मेरे साथ फिर में होगा तो उनको पूरा यकीन है जैसे खुदा के क़लाम में लिखा है कि अब जो मसीह यसुम में उस पर सजा का हुक्म नहीं है आजाद है वो तो वो बड़ी खुशी मनाते डरते हुए कांपते हुए हलीमी से फिरोतनी से उसकी मौत के लिए उसका शुक्र करते उसके मुर्दे में उससे जी उठ जाने के लिए ये हैरत अंगेज खुशी है ईमानदारों की कि हमारा नजात देने वाला जिंदा है हमसे मोहब्बत रखने वाला जिंदा है जिसकी कुदरत बेहद है वो जिंदा है और वो हमारे साथ है उसने कहा देखो मैं इस दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं जहां कहीं दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में हूं उनको यकीन है इस बात का तो शागिर्दों को कभी इस बात का शक नहीं हुआ बहुत ऐसी बातें हुई बहुत ऐसे हालात पैदा कर दिए गए जिनमें उन्हें शक हो सकता था लेकिन नहीं हुआ आज भी कभी किसी ईमानदार को इस बात पे शक नहीं हो सकता कि वो खुदा के इल्मे साबिक के मुताबिक जैसे खुदा को मालूम है खुदा का इंतजाम है उसके मुताबिक वह मसलूब किया गया उसने खुद अपनी जान दी और अपने कहने के मुताबिक नबियों की गवाही के मुताबिक खुदा के इंतजाम के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दमे से जी उठा वो जिंदा है तो शागिर्दो को कभी शक नहीं हुआ तो जब वो दूसरों के सामने खड़े होकर ये बात कहते थे तो दूसरों को तो ये हिमाकत मालूम होती थी कि कैसा इनका दिमाग खराब है यूं कह रहे हैं कि वो हमारी खातिर मारा गया था और ये कह रहे हैं कि वो तीसरे दिन अपने कहने के मुताबिक जी उठा वो जिंदा है कहानी ये रिश्वत दे के सारे में ये फैला दी गई थी उन्होंने शागिर्दों ने उसकी लाश कहीं चुरा ली है हमको मालूम नहीं कहा रख दी सिपाहियों को कह दिया था कि जाके कह दो हम तुम्हें देखभाल फिक्र न करो हम तुम्हें बचा लेंगे कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकेगा हमारे पास पैसे की ताकत है हमारे रसूख है हमारे ताल्लुका है तुम जाके सबको कह दो जी हम तो सो गए थे हमें ध्यान नहीं रहा चुरा के ले गए ये कहानी चल रही थी और उसी में ये बेचारे सीधे साधे से लोग सड़कों पे कहते फिर रहे नहीं, नहीं वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा तो कोई सबूत था उनके पास बहस तो वो कर नहीं सकते थे इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे कोई ताकत नहीं थी कोई इख्तियार नहीं था कोई तीर तलवार उनके पास नहीं थी कि किसी को डरा के धमका के तो कह दे तुम्हें मानना पड़ेगा ऐसा नहीं था वो तो बेचारे मामूली से लोग थे मछली पकड़ने वाले लोग बेचारे पतरस के पास पैसा देने के लिए टैक्स भी नहीं था एक दफा तो खुदा ने उस मसीह कहता क्यों कर कुछ मछली पकड़ जो पहली मछली निकली उसके मुंह में है, है हिसाब किताब मैंने कर रखा है एक सिक्का है तो तू अपना भी टैक्स दे देना मेरे नाम से भी दे देना वो तो, तो गरीब लोग थे उनकी कौन सुनता लेकिन कमाल की बात ये कुछ बातें देखने वाली बात है उनकी जसारत देखिए हिम्मत देखो कि लोगों को खड़े होकर ये कह रहे हैं उस मजमे में जहां कई लाख आदमी हैं, तो पहली दफा पतरस खड़ा होता है वहां बोलता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं आप ऐसा करें कि ये अमाल की किताब आप पढ़ना आज आपको मौका मिल जाए तो अमाल की किताब पढ़िए ये प्रेरितों के काम तो उस कि सारी आप पढ़ जाइए सारी उसमें आप देखेंगे कि ये जितनी बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं ये सब उसमें है तो ये अमाल की किताब का दूसरा बाब है मैं तेईस आयत से पढ़ता हूं दूसरा बाब उसकी तेईसवीं आयत से मैं पढ़ता हूँ ये बता रहे हैं खड़े होके पतरस रसूल जब वो खुदा के वो यानी खुदा मसीह खुदा के मुक्रा इंतजाम वो इंतजाम जो खुदा ने मुकर्र किया था और इल्म साबिक वो इल्म जो खुदा को पहले से होता है पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब कर, करवा डाला वो रूमी लोग थे उनके पास कोई शरीयत नहीं थी तो उनसे कह रहा तुमने रूमियों के हाथ से पकड़वा के उसे मरवा डाला बताओ की ये मजाल ये हिम्मत ये जसारत उनसे बात कर रहा है लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोल कर उसे जलाया क्योंकि मुमकिन ना था कि वो मौत के कब्जे में रहता रहा वो तो सड़ी हुई लाश लाजर की तो वहां खड़ा होकर दे देता हूं लाजर एक हलचल सी हुई कफन समेत लाजर बाहर आके खड़ा हो लो गया लोग है क्या हो रहा तो जिसे मौत पर इतने इख्तियार है कि उसके लिए मुमकिन था कि मौत का उस पर कब्जा रहता मुमकिन ना था कि वो मौत के कब्जे में रहता क्योंकि दाऊद ने जो एक हजार बरस पहले हुआ मसीह से उसके हक में यह कहा था देखो दाऊद की पेशन गोई मैं हमेशा खुदावंत को सोलवा जबूर है अगर आप देखना चाहें मैं खुदावंत को हमेशा अपने सामने देखता रहा क्योंकि वो मेरी दहनी तरफ है से मुझे इसलिए मुझे जुम्बिश ना होगी मैं हिलूंगा नहीं इस सब से मेरा दिल खुश और मेरी <laughs> मेरी जबान शाद <laughs> जबान की शाद मानी है इस सब से मेरा दुल खुश और मेरी जबान शाद बल्कि मेरा जिसम भी उम्मीद में बसा रहेगा इसलिए कि तूने मेरी जान को आलम अरवा में नहीं छोड़ा एक रूहों का आलम है इसलिए तू मेरी जान को आलम अरवा में ना छोड़ेगा ना अपने मुकदस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा तूने मुझे जिंदगी की राहें बताई तू मुझे अपने देदार के बायस खुशी से भर देगा ये खुदा के बंदे दाऊद ने कोई हजार बरस पहले ये बात कही मसीह के बारे में आए भाइयों मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दलेरी के साथ कह सकता हूं वो मुआ मरा दफन भी हुआ और उसकी खबर आज तक हम में मौजूद है देख लो मोहल्ला भी बता दिया होगा किस जगह है उसकी खबर बस नबी होकर और ये जानकर ये दाऊद नबी होकर और ये जानकर कि खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा उसने पेशेंट गोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आलम अरवाह में छोड़ा गया ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची इसी यीशु को खुदा ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं हम तो उस यीशु की गवाही दे रहे हैं उसके मुर्दों में से जी उठने का जिक्र कर रहे हैं कि जिसकी शहादत जिसकी गवाही जिसकी नबुवत दाऊद ने की है पहले वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा देखो उनकी हिम्मत लाखों से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद है उनके बीच में ये आदमी खड़ा होके ये आदमी जो बहुत ही डरपोक था एक छोटी सी लड़की के सामने यूं कह दिया यसु मसीह को लिए जा रहे थे सलीब देने के लिए उसे के देखे कह दे तू उसके साथ है कसमें खा रहा बताओ लानत भेज रहा है येसु मसीह पे मैं नहीं जानता इस आदमी क्या बात करती है लड़की ऐसे कह रहा अब ये उसकी जसारत देखो उसकी हिम्मत देखो अगर उसे यकीन ही नहीं था कि वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके अंदर ये हिम्मत कहां से आ गई झूठी कहानी बना के कोई झूठ बोलता ऐसे? है ऐसे जबकि मालूम है कि उसकी जान का खतरा है अरे जिन्होंने यीशु मसीह को मसलूब किया था इसे छोड़ देते वो कहां से आई उसके अंदर हिम्मत इस हकीकत की वजह से इस सच्चाई की वजह से कि वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है चालीस दिन तक इन्होंने उसके साथ बातचीत की है चालीस दिन तक वो अपने आप को जिंदा जाहिर भी करता रहा है सबूत दे, दे के उनकी तालीम और तरबियत कर रहा है अब खुदा के पाकरू का उनको बपतिस्मा मिल गया है ये हिम्मत एक जगह कहते जब उन्होंने इसकी दलेरी देखी क्योंकि उनको पिटवा के रात को जेल में रखा सुबह को कह दिया ले आओ इनको सामने उनसे कह रहे खबरदार जो यीशु मसीह का जिक्र किया खबरदार जो ये कहा कि वो मुर्द मसीह जी उठा उसकी दलेरी देखो कह रहे बात ऐसा है मुमकिन नहीं कि जो कुछ हमने देखा और सुना वो ना कहे तुम जो मर्जी कहो जो मर्जी करो लेकिन जो सच है वो सच है ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि वो जो हमारी खातिर सलीब पर मसलूब हुआ था खुदा के इंतजाम के मुताबिक नबूवतों के मुताबिक अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा उनकी जसारत इस बात का सबूत है उनकी हिम्मत और दलेरी इस बात का सबूत है कि यह बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है खुदा मसीह जिंदा है फिर एक और देखो उनकी उनकी बशारत देखो किस उनकी तालीम जो बात वो सिखाते थे दूसरों से करते थे एक दूसरे को याद दिलाते थे वो क्या है वो इस बात का सबूत थी कि ये लोग नफरत करने वाले लोग इन्हें कहां से इस मोहब्बत का तजुर्बा हो गया जिसका जिक्र यहां है ये थी उनकी बशारत लोगों के सामने उनकी बशारत में नफरत नहीं थी <laughs> मोहब्बत थी खुदा की वो मोहब्बत थी जो मसीह यसु में जाहिर हुई है वो मोहब्बत थी जो यसु मसी की सलीब में जाहिर हुई है खुदा की वो मोहब्बत थी जो उसको मुर्दों में से जिलाकर सामने पेश कर देने में थी कि ये है तुम्हारा मुनज्जी ये है तुम्हारा माफ करने वाला ये है वो जिस पर ईमान लाने वाला कभी शर्मिंदा नहीं होगा देखो जरा सुनो उनकी उनकी मोहब्बत पहला ये ना तीसरा बाब और तेरहवीं से पढ़ो ये उनकी तालीम थी और लोगों के सामने मोहब्बत का यह नमूना था आज भी है खुदा का शुक्र है आज भी वही है क्योंकि बता दिया गया ना कि खुदा का रूह जो हमको बख्शा गया है पाक रूह, रूहुल रूहलकुश जो बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है नफरत के लिए जगह नहीं है इस बशारत बशारत होती है कोई बशारत तो खुशी की खबर को कहते हैं तो वो बशारत कहाँ से हुई अगर उसमें खुदा की खुशी नहीं है ऐसी बशारत में नफरत का कोई जगह नहीं है खुदा का शुक्र हो उसने कह दिया था जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी ऐसे मोहब्बत रखो दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो उनके लिए दुआ करो जो कुछ कर सकते हो उनके लिए कर दो <laughs> ये जो अजीब बात थी उनकी जिंदगी में आ गई ये पहले तो नफरत करते थे एक दफा सामरिया में खुदाम यूसु मसीह जा रहे थे सामरियों से ये बहुत नफरत करते थे उन्होंने इनको टिकने की जगह नहीं दी तो ये जागिर्दों में से दो भाई कहते हैं कि इन पर लानत बरसानी चाहिए हम आग बरसा देंगे इनके ऊपर खुदा यूसु मसीह ने डांटा उनको कहा तो मालूम नहीं तुम अब कैसी रू के हो ये रूह और थी मेरी रूह में ये बात नहीं है तो लोग देख के हैरान होते थे उनकी तालीम सुनते थे आए भाइयों अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती तो ताजुब ना करो हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है कि तो जो कोई अपने भाई से अदावत करता है वो खूनी है और तुम जानते हो कि किसी खूनी की हमेशा की जिंदगी में किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं है जो खूनी है जो अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं रहती हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी हम पर भी फर्ज है भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है भाइयों के लिए भी जैसे उसने जान दी थी हम पर भी फर्ज है हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है जिस किसी के पास दुनिया की दौलत हो और वो अपने भाई को मोहताज देख कर रहम करने में तारीख करे तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है आए बच्चो हम कलाम और जबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत रखें यह है वो मोहब्बत जो उनकी जिंदगी में लोग देखते थे और फिर वो बताते थे कि ये मोहब्बत इसलिए हमारी जिंदगी में है कि मोहब्बत करने वाला हमारे अंदर जिंदा है जिसने दुनिया से मोहब्बत रखी वो जिंदा है ये मोहब्बत जो हम तुम देख रहे हो हमारी जिंदगी में तो उसकी मोहब्बत है यह तो रूहल खुद की मोहब्बत है जो हमारी जिंदगी में काम कर रही है फिर शागिर्दो की जिंदगी में कुदरत थी एक आदमी को शिफा दे दी लंगड़े को अब लोग पूछ रहे हैं ये की किताब के तीसरे बाब में पहली आयत में घेर लिया उन्हें अरे लंगड़ा चल कैसे कैसे रहा ये खड़ा कैसे हो गया तो पत्रस कहता भाई हमारी तरफ तुम क्या देख रहे हो हमने थोड़ी कर दी हमारे अंदर कोई कुदरत नहीं है ये उसी यीशु को जिसने तुमने मसलूब होने के लिए सुपुर्द कर दिया था वो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ये तो उसकी कुदरत है जो तुम देख रहे हो ये सबूत है इस बात का कि जो हम कह रहे हैं वो सच है बेशक वो मसलूब हुआ हमें मालूम है कि वो मसलूब हुआ मुझे मालूम है मैंने उसके मुंह पर उसके सामने उसका इनकार कर दिया था हम देख रहे थे उसके साथ क्या सलूक सा हो रहा है हमें कभी शक नहीं होगा लेकिन इस बात का हम कैसे इंकार करते हैं कि 40 दिन तक वो हमारे साथ रहा है ये जो कुछ तुम देख रहे हो ये उसकी कुदरत है ये सबूत था उनकी जिंदगी में कि उनकी बशारत में खुदा की मोहब्बत थी और उस मोहब्बत में एक जबरदस्त बचा लेने की कुदरत थी बर्बाद करने की नहीं बचा लेने की कुदरत थी फिर एक और बात थी जिसकी वजह से लोग हैरान होते थे ये इस बात का सबूत था कि वो जानते हैं कि हमारा खुदा बंद जिंदा उनकी शहादत थी जिस तरह जब उनको मारते थे उनको कत्ल करते थे पथराव करते थे शेरों के आगे फेंक देते थे जानवर उनको खाते थे जिंदा लेकिन वो कभी इंकार नहीं कर सकते थे इस बात का कि वो हमारी खातिर मुआ गया उनको मालूम था कि हमारी मंजिल कहाँ है जरा अगर आप पढ़ के देखें शहादत किसको कहते हैं शहादत जबान से होती है सबात शहादत जिंदगी से होती है हम जिंदगी उस पर कुरबान करतेफिन उस नाम का एक है खुदा उनका शागिर्द रूहल कुछ से मामूर है उसके पीछे लोग पड़ गए हैं उसकी बातें सुनते हैं और देखते हैं तो कहते हैं चेहरा इसका फरिश्ते का लगता है चेहरा तो इसका मासूम सा है लेकिन जो कुछ ये कह रहा हम उसे नहीं मान सकते उसका पथराव किया जा रहा है सातवें बाब में है ये अमाल की किताब उसका सातवां बाब है देखने वाली बात है बस ये इस्तीफ उसको संगार संसार पथराव करते रहे और वो ये दुआ कर करता रहा कि आए खुदाबंद यसु मेरी रूह को कबूल कर कैसे उसको मालूम था कि रूह कबूल हो जाएगी उसकी ये लिखा मगर उसने रूह खुद से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यसु को खुदा की दैनी तरफ खड़ा देख कर कहा देखो देखो क्या देख रहे हो देखो मैं आसमान को खुला और इबन आदम को खुदा की दहनी तरफ खड़ा देखता हूं और फिर वो उससे कहता आई बाप मुझे मालूम है मैं कहा जा रहा हूं यह गुना इनके जिम्मे ना लगाना यह कैसी शहादत है और यह कैसी शिफात है सोचना इस पर कलामी जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले दोस्तों खुदा उनके बंदो खुदा उनके प्यारो भाइयों बहनों बड़ा मुबारक ये वक्त है बड़ा मुबारक दिन है हर रोज हम ख़ुदा मजूसु मसीह के नाम में इकट्ठे होकर इस बात का शुक्र करते हैं और फिर ख़ास तौर पर एक दिन है उसमें हर इतवार को इस बात की खुशी मनाई जाती है कि हमारा नजात देने वाला जिंदा है और जब हम उसके नाम में उसकी तबीयत में उसके जलाल के लिए उस पर भरोसा करके इकट्ठे होते हैं दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत होती है तो हम उसकी हजूरी महसूस कर सकते हैं वो ज़िंदा है बचाने के लिए ज़िंदा है शिफा देने के लिए जिंदा है गुनाहों को जिंदगी में से दूर कर देने के लिए जिंदा है खुदा के साथ एक रिश्ता पैदा कर देने के लिए जिंदा है एक नई जलाली उम्मीद दे देने के लिए जिंदा है जो भी चाहे उसके कदमों में आ सकता वो जिन्दा है वो जिंदा है जिंदा होने के बाद उसने कभी जाके किसी से बदला नहीं लिया ये आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार उसके पास है उसने गुनाह पर फतेह पाई मौत पर फतेह आई फतः पाई किसी से जाके उसने बदला नहीं लिया किसी का नुकसान नहीं किया चालीस दिन तक वो अपने शागिर्दों पर जाहिर होता रहा और उनको तालीम देता रहा है तुमने देखा मैंने कैसे माफ़ किया तुम भी एक दूसरे को माफ़ करना तुमने देखी मेरी मोहब्बत जो सबके लिए तुम भी सबको प्यार करना इस दुनिया में सख्त ज़रूरत है इस मोहब्बत की जो खुदा यीशु मसीह में है और जो उस पर ईमान लाते हैं उन्हें वो दे देता है जब उनकी जिंदगी में तब्दीली होती है तो उनको खुद मालूम होता है कि वो जिंदा है एक दलेरी उनके अंदर आ जाती है जसारत और हिम्मत होती है उनके अंदर डरते नहीं है वो फिर ना लड़ते बल्कि एक मोहब्बत की दलेरी होती है और वो लोगों कह सकते हैं भाई मैं ज़्यादा तो नहीं जानती लेकिन मुझे मालूम है वो जिंदा है उसने मुझे जिंदा कर दिया मैं तो मौत के कब्जे में थी देखो उसने मेरे साथ क्या सलूक सा किया और फिर जब कभी कितनी दफा ऐसा होता है कि खुदा कह देता है कि इसके लिए दुआ कर वो दुआ कर देती हैं मेरी बहनें दुआ कर देती हैं भाई दुआ करते हैं और हैरत की बात यह कि लोग कहती हैं ये अच्छा कैसे हो गया ये क्या हो गया तुम तो बताती है, ये सी जिंदा है उनकी गवाही में बल्कि उनके दुख सहने में जिस तरीके से वो अपनी जिंदगी निसार करती हैं वो ये इजहार करती हैं कि हमारा बचाने वाला जिंदा है आप उससे कहके तो देखो जिंदा खुदा यीशु मैं अपनी जिंदगी तेरे सुपुर्द करता हूं तेरे सुपुर्द कर रही हूं अपने आप को जिंदगी का हर दिन खुशी का दिन होगा खुदा आपको तो बरकत दे मुझ पर भी रहम करता रहे आमीन